स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल असलम स्पोर्ट्स क्लब में। आज का ये दूसरा सेमीफाइनल मैच टॉस की प्रक्रिया शुरू होती हुई ट्रेल और बॉलिंग करने का फैसला किया है। बिक्का 11 ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया है। यानी कि फिलीपीन ने टॉस जीत के गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। 16 ओवर का ये फाइनल मुकाबला और कलेक्टर फार्म को बैटिंग करने का न्योता दिया है पीलीभीत बिक्का 11 ने। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें असलम स्पोर्ट्स क्लब को। काफी शानदार मुकाबला ये भी। इमरान, संजय, निष्कर्ष, लालू, अभिषेक, सतेंद्र एक्स्ट्रा। और ये बिक्का 11 की तरफ से खेल रहे हैं आज बहुत बड़ा मुकाबला हुआ था। मनोज, फैद, राम सेवक और आकिब मलिक। बेहतरीन टूर्नामेंट। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें असलम स्पोर्ट्स क्लब को। दोनों ही टीम शानदार। दूसरा सेमीफाइनल मैच मजोला 16 ओवर का ये दूसरा सेमीफाइनल मैच। महेंद्र कैप्टन, विजय, कुलदीप, सूरज, हिमांशु, बच्चीनाथ, साहिल संधु, विकास, अंकुश, संदीप, अरविंद, शिवम एक्स्ट्रा, सोनू एक्स्ट्रा, पवन एक्स्ट्रा। बिक्का 11 की टीम फील्डिंग के लिए पूरी तरह से तैयार। बस अब इंतजार है कलेक्टर फार्म की सलामी बल्लेबाजों का। असलम स्पोर्ट्स क्लब को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। काफ़ी गर्मी आज, लाइक ज़रूर करा करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कलेक्टर फार्म के सलामी बल्लेबाज विजय और बच्चीदा शानदार बल्लेबाज, शानदार मुकाबला। पिक्चर स्पोर्ट्स वाले अगर हो तो हाफ ना कर दे। बिल्कुल पिक्चर स्पोर्ट्स एम आर एस एफ पिक्चर स्पोर्ट्स आके लाइव देख सकते हैं यार। अमरदीप अन्ना भाई, 8 ओवर में एक नहीं मिल रही। 8 ओवर में टी शर्ट का देख लेना। मैंने कहा जा रहा हूं टी शर्ट ले आ भाई के लिए। टी शर्ट बिक्का 11 की तरफ से पहला ओवर लेकर आ रहे हैं लालू। आज के एम्पायर दलजीत सिंह शानदार एम्पायर और महेंद्र सिंह। और इस मैच की पहली गेंद का सामना करेंगे बच्चीदा। स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर विजय और बॉलिंग एंड पर लालू। दूसरा सेमीफाइनल मैच शानदार मुकाबला। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। लालू चले बच्चीदा के लिए, शानदार बॉल, समझ नहीं पाए, बीट किया बल्लेबाज को लालू ने। डॉट बॉल लालू एक बार फिर बच्चीनाथ के लिए, शानदार बॉल, खेल दिया उसे लेफ्ट साइड के लिए, फील्डर मौजूद और खराब फील्डिंग और आसानी से 2 रन पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। बच्चीनाथ शानदार, लालू एक बार फिर बच्चीनाथ के लिए, शानदार बॉल, एम्पायर का इशारा, वाइड बॉल।
लालू एक बार फिर बच्चीनाथ के लिए शानदार शॉट, हवा में गेंद, नीचे फील्डर मौजूद और ये आउट। पहले विकेट का पता न होता हुआ पहली सफलता मिलती हुई लालू को बच्चीनाथ के रूप में, शानदार मुकाबला। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें असलम स्पोर्ट्स क्लब को। और अगले बल्लेबाज संदीप, बच्चीनाथ का की जगह लेंगे संदीप। लालू एक बार फिर सामना करेंगे संदीप, शॉट एक ही रन। विजय कुमार वाल्मीकि सामना करेंगे लालू का और ये आउट के बेलन बाने उली उठाई और बल्लेबाज खुद ही चले गए। एक और सफलता मिलती हुई लालू को संदीप के रूप में, शानदार मैच। और अगले बल्लेबाज कुलदीप, एक बार फिर लालू कुलदीप के लिए, शानदार बॉल बीट किया बल्लेबाज को। ओवर की समाप्ति, एक ओवर चार रन दो विकेट कलेक्टर फार्म। और अब बॉलिंग एंड पर आए हैं मनोज, सामना करेंगे कुलदीप। ओ ये बेहतरीन बॉल, खतरनाक बॉलिंग मनोज की, बीट किया बल्लेबाज को मनोज। एक बार फिर चले, शानदार शॉट और यहां पर पुल शॉट फाइनल की दिशा में, गेंद जाती बाउंस, चार रन और ये चार रन काफी खराब बॉल मनोज। फिर चले कुलदीप के लिए, शॉट है हवा में गेंद नीचे, कोई बिल्डर मौजूद नहीं, छह रन। बढ़िया बल्लेबाजी मनोज, फिर चले बेहतरीन शॉट और बेहतरीन फील्डिंग, दो रन बचाए अपनी टीम के लिए, टीम का स्कोर 16 रन। मनोज एक बार फिर बेहतरीन बॉल, एक रन ही संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। और जितनी क्रिकेट इन्होंने खेली है शायद ही। मनोज एक बार फिर बेहतरीन बॉल, कट करना चाहते थे उसको पॉइंट की दिशा में, मगर चूके गेंद और बल्ले। दो ओवर 17 रन दो विकेट कलेक्टर फार्म। और फिर लालू शानदार बॉल पॉइंट की दिशा में, सिंगल लेंगे खिलाड़ी वहां पर मौजूद, पता हुआ स्कोर यहां पर। बेहतरीन बॉल, बुलेट ट्रेन की स्पीड की जैसी गेंद, समझ नहीं पाया बल्लेबाज। बेहतरीन बॉल हवा में गेंद, आउट के भी बंदे नकारा। लालू एक बार फिर कुलदीप के लिए, एम्पायर का इशारा, वाइड बॉल। और पुल किया इसको फाइनल की दिशा में थर्ड मैन, लेकिन को रोका, सिंगल मिला यहां पर। लालू एक बार फिर शॉट है हवा में गेंद, कोई फील्डर मौजूद नहीं और गेंद रोड के पार जाती हुई, छह रन। बेहतरीन बॉल कवर्स की दिशा में खेल दिया एक रन के लिए, तीन ओवर 27 रन दो विकेट कलेक्टर फार्म। मनोज एक बार फिर शॉट, छह रन के लिए, पटकी हुई गेंद थी, बेहतरीन शॉट। दोनों खराब यहाँ पर गेंदबाजी की। मनोज एक बार फिर और एक और झटका लगता हुआ, तीसरा विकेट गिरता हुआ कलेक्टर फार्म को, पहला विकेट मिलता हुआ मनोज को। अगले बल्लेबाज विकास, मनोज एक बार फिर विकास, यार मनोज भाई बेहतरीन शॉट, स्टेट की तरफ खेल दिया है एक रन के लिए, फील्डर मौजूद राम सेवक। बॉल है यार, वाइड बॉल।
और जाने दिया गेंद को, वाइड बॉल, एक और वाइड बॉल शॉट। आराम से रहना, मैं रुक जाएगा। बढ़िया फील्ड है यार। तीन रन बचा अपनी टीम के लिए। और खड़ी कर दी है नीचे फील्डर, और जो एक ही रन हो पाएगा। ओवर की समाप्ति। आप देख सकते हैं कितना तेज सूरज है, कितनी तेज गर्मी है। और बॉलिंग एंड पर आए हैं फैद। कवर्स की दिशा में खेलते हैं एक रन के लिए। फैद एक बार फिर, और यॉर्कर बॉल सिंगल यहाँ पर। रन आउट कर सकते थे मगर गंदा थ्रो। शायद एक बार फिर बाहर निकलती हुई गेंद, समझ नहीं पाए बल्लेबाज। शायद एक बार फिर शानदार बॉल। और बोल्ड मार दिया है फैद ने। चौथा झटका लगता हुआ कलेक्टर फार्म को। और नए बल्लेबाज हिमांशु। शॉट यहाँ पर पॉइंट। पांच ओवर 42 रन 4 विकेट कलेक्टर फार्म मझोला। और बॉलिंग एंड पर निष्कर्ष, और मार दिया है कमर पे गेंद। एम्पायर का सारा नो बॉल फ्री हिट, नो बॉल फ्री हिट। शॉट खड़ी कर दिया गेंद आसमान में, नीचे फील्डर मौजूद। और ये पांचवा झटका नहीं लगता हुआ क्योंकि ये फ्री हिट थी, ये फ्री हिट थी इसलिए कोई झटका नहीं। शॉट और ओवर थ्रो के रन देते हुए विक्का 11 के खिलाड़ी। निष्कर्ष लगातार उन पे इनाम लग रहा है। ओ बेहतरीन गेंद, अंदर आती गेंद, सिंगल रन। वाइड बॉल एक और बेहतरीन बॉल, लगातार अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं निष्कर्ष। बेहतरीन बॉल, सिंगल रन ही होगा इस गेंद पर। और चार रन, काफी खराब फील्डिंग फील्डर के द्वारा। चार रन, 6 ओवर 54 रन, 4 विकेट। फैज 7वां ओवर ले गए हैं। सॉरी बेहतरीन शॉट, हवा में बॉल, नीचे फील्डर मौजूद। और ये 5वां झटका लगता हुआ कलेक्टर फार्म को। और नए बल्लेबाज साई संधु, काफी जाने माने खिलाड़ी साई संधु। फैद सामना करेंगे साहिर संधू। बेहतरीन गेंद, बेहतरीन बॉल खेल दिया है कवर्स की दिशा में एक रन के लिए। क्या लेंथ है, क्या स्पीड है। साहिल संधू सामना करेंगे फैद का।
तीन अंदाज विकेट खेल गया है एक रन के लिए। सात ओवर 59 रन 5 विकेट। बता दूं आठ ओवर के बाद कौन सा मनोज सामना करेगा साहिल संधु। बेहतरीन बॉल खेल गया है एक रन के लिए। कोई मौका नहीं देना चाहते, जानते हैं कि यहां पर 5 विकेट मानसु बेहतरीन बॉल वाइड बॉल बेहतरीन शॉट हवा में गेंद 6 रन के लिए बेहतरीन लंबा छक्का। शानदार बॉल बीट गया बल्लेबाज को। शॉट काफी शानदार शॉट फील्डर मौजूद एक ही रन। साहिल संधू सामना करेंगे मनोज का बेहतरीन शॉट। डबल की कॉल है मना किया यहाँ पर, जानते हैं कि रनआउट का जोखिम नहीं लेंगे। बढ़िया शॉट यहाँ पर बढ़िया प्लेसमेंट। आठ ओवर 70 रन 5 विकेट कलेक्टर फार्म और ड्रिंक्स ब्रेक की घोषणा अंपायर के द्वारा। और ड्रिंक्स ब्रेक के बाद नवा ओवर लेकर आए हैं लालू। सामना करेंगे हिमांशु। छह रन के लिए हिमांशु के बल्ले से तैयार हिमांशु। वाइड बॉल शायद अंपायर का इशारा वाइड बॉल हवा में गेंद मारना चाहते थे मगर चूकी गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। एक और वाइड बॉल और एक और झटका लगता हुआ तीसरी सफलता मिलती हुई लालू को हिमांशु के रूप में। बल्लेबाज अरविंद शानदार बॉल शानदार फील्डिंग स्ट्राइक पर साहिल संधु। बेहतरीन लॉन्ग लुक शॉट और ये शानदार कैच आउट। सातवां झटका लगता हुआ साहिल संधु के रूप में आउट का इशारा। ये बड़ा नाम था कलेक्टर फार्म। खड़ी कर दी है पीछे फील्डर मौजूद। एक और झटका लगता हुआ कलेक्टर फार्म को लगने वाला ये आठवां झटका। शायद आज हम घर जल्दी पहुंच जाएंगे, आज हम रोजा घर पर ही उतारेंगे। आज आठवां झटका लगता हुआ कलेक्टर फार्म को। ट्रेन आती हुई फुल स्पीड में अपनी मझोला स्टेशन नजारा। नए बल्लेबाज अंकुश शानदार यॉर्कर बॉल और उतना ही तेज थ्रो। सूरज बेहतरीन बॉल बढ़ता हुआ स्कोर 8 विकेट पर 88 रन। मतलब स्पोर्ट्स पे भी आपको उसकी हाइलाइट्स देख सकती है।
नीचे फील्डर मौजूद मगर कोई फायदा नहीं। 6 रन बॉल, 94 रन टीम का स्कोर। बढ़िया यहाँ पर प्लेस पे लगभग और शानदार बॉल, एक और अच्छी है यहाँ पर लोगों के एरिया में। बढ़िया है खिलाड़ी से नीचे मगर और कैच ड्रॉप, निश्चित ही शानदार कैच होता अगर ये पकड़ लेते तो। चार रन और इसी के साथ टीम के 101 रन पूरे। और बॉलिंग एंड भरा है इमरान, देखिए यहाँ पर फाइनल की दिशा में खिलाड़ी वहां पर मौजूद, सिंगल मिलेगा यहाँ पर कठिन परिस्थिति। और बोल्ड कट बोल्ड और मैं तो कहूंगा ये 2 विकेट होते, पल्ले पर भी लगी, स्टंप पर भी लगी और कीपर ने पकड़ी है गेंद। लास्ट विकेट शेष और टीम के कप्तान महेंद्र और एक और मिस फील्ड, 4 रन, काफी खराब फील्डिंग। छह रन 112 रन, शानदार बॉल, और काफी खराब फील्डिंग करते हुए बिक्का 11 के प्लेयर। शानदार शॉट नीचे फील्डर मौजूद और ये 112 रन पे ऑल आउट, 112 रन पर ऑल आउट होती कलेक्टर फार्म। 113 रन का टारगेट दिया है बिक्का 11 मझोला को, और ये हमारे भाई लोग बिजली विभाग वाले जो गर्मी में आपको सरदार जी हमारे बड़े भाई राजू भाई बिजली विभाग जो आपको सेवा देते हैं गर्मी भाई आराम, और ये हमारे फैन सपोर्टर आपको बता दूं, और ये हमारे सरदार जी धन्यवाद और पैत सलामी बल्लेबाज बिक्का 11 की तरफ से पहले बल्लेबाजी करने आ रहे हैं धन्य और फैत संदीप। पहली बॉल दूसरी इनिंग की मारने की कोशिश मगर बीट किया बल्लेबाज को, फुल टॉस बॉल, कोई खास फायदा नहीं उठा पाए इस गेंद का नन्हे। और अब स्ट्राइक पर फैत संदीप, बेहतरीन शॉट 6 रन के लिए। फैद के बल्ले से पहला धमाकेदार छक्का, फैद 114 रन। एक और लंबा ऊंचा बहुत ही लंबा 6 रन, दूसरा 6 फैद के बल्ले से निकलता हुआ धमाकेदार छक्का, आधे ही आतंक मचा दिया है फैद ने। एक बार फिर संदीप सामना करेंगे फैद, और पीछे मार दी है गेंद। नन्हे सामना करेंगे संदीप का, बेहतरीन बॉल
बीट किया बल्लेबाज, ओवर की समाप्ति, एक ओवर 14 रन बिना किसी नुकसान के, इक्का 11 मझोला। और गेंदबाजी पर आए हिमांशु, सामना करेंगे फैज, और कोई नुकसान नहीं है बल्लेबाज को, आसानी से एक रन पूरा करेंगे दोनों के बल्लेबाज। फुल टॉस बॉल, शायद ये नो बॉल होगी, नो बॉल, एम्पायर का इशारा नो बॉल, 4 रन। व्हाइट बॉल और कोई खास फायदा नहीं उठा पाए, कीपर को काफी दिक्कत होती हुई यहाँ पे, खतरनाक गेंदबाजी, बेहतरीन शॉट, 4 रन। ये यहाँ पर कमी, मुझे मजा आया फील्ड आउट में, जरूर बाहर हम इस समय कैसे करा लिए हैं, सामना करेंगे फायर। और कीपर को परेशान करते हुए, कीपर के पास से गेंद निकल रही, हिमांशु काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए, हिमांशु बेहतरीन बॉल, रीड किया एक बार फिर बल्लेबाज को, शानदार कैच, पहला झटका लगता हुआ पिक्का 11 को अन्ने के रूप में, नए बल्लेबाज रामू, ये जोड़ी सामना करेगी हिमांशु का, तो ओवर 27 रन एक विकेट, 13 रन का टारगेट जोड़ के सामने उसका पीछा करते हुए, सो वैद ने लंबा हिट मार दिया है 6 रन के लिए, सूरज की गेंद पर पहला गेंद छक्का, एक और लंबा हिट खड़ी कर दी है आसमान में गेंद, नीचे फील्डर मौजूद, और शानदार कैच, जो लंबे लंबे हिट लगा रहे थे उनकी पारी का अंत होता हुआ, समापन होता हुआ, दूसरा झटका लगता हुआ पिक्का 11 को, यहाँ पर स्कोर, और मैं आपको बताता चलूं कि टेंकू आ गया बल्लेबाजी करने के लिए, टेंकू नए बल्लेबाज, सामना करके सूरज का गेंदबाजी करते हुए आराम से निकल आए, इस बल्लेबाज की पॉइंट के क्षेत्र में उन्होंने खेला, टेंकू यहाँ पर एक रन से अपना खाता खोलते हुए अब सामना करेंगे वहां पे, राम सेवक, राम सेवक उन्होंने एक सिंगल अच्छी बल्लेबाजी की थी उन्होंने, और ये फिर देखिए यहाँ पर राम सेवक बिल्कुल टिंकू की तरह खेलते हुए दोनों ने सिंगल सामना करेंगे, राम सेवक कलेक्टर और पिक्का के सामने आपस में जो टकराव ही होता हुआ बहरहाल इसमें अभी तक मैच में दोनों टीमों का पलटा एक जैसा, अच्छी बल्लेबाजी की गोपाल भैया ने आवाज सुन, मधु 6 चाय आई है उसमें बस किसी बात और 6 चाय आए, 6 चाय के नाम चलने वाला नहीं है, गेम देखिए जोश में आए बल्लेबाज, उनको पता कि कमेंटर को चाय मिलने वाली है, तो जो चाय बेच रहे उनसे निवेदन है कि बहुत जल्द से जल्द चाय बेचने का खर्च करें, आपने हमारी आवाज को सुना, हम आपका आभारी तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं आपका चाय देने के आना, हिमांशु ने गेंद पर हिट किया है और गेंद जाइए बॉटल के बाद 6 रन के लिए, 6 रन राम सेवक के निकल बल्ले से निकलता हूँ पहला छक्का, हम सबर का बल मीठा होता है, हम विकेट करते वाला हिमांशु लेकिन तैयार सामना करेंगे राम सेवक के लिए, फिर सिंगल के लिए अच्छे खिलाड़ी के पहचाने और बताते हुए इस सिक्स बाउंड्री लगाने के बाद 46 रन टीम का स्कोर हो चुका है, और बोल्ड कर दिया है हिमांशु ने, शानदार गेंदबाजी और बॉल और लास्ट नए बल्लेबाज अभिषेक, शानदार बॉल, अच्छी बॉल यहाँ पर सिंगल के साथ स्कोर 47 सूरज, सामना करेंगे अभिषेक, अरे मैं कह रहा हूँ आगे लगा दो यार उसको,
आगे ले भाई क्यों बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी स्कोर तीन विकेट के नुकसान पर ये बड़ा हिट है और एम्पायर अपने छह रन आउट की अपील करते हुए एम्पायर ने नकारा इस अपील को अभी दोनों बारों की अपेक्षा है ये बॉल छिटकी खराब फील्डिंग एक रन कैसा फॉर और आउट की अपील करते हुए अपील भी बहुत अपील की आवाज एम्पायर ने नकारा इसका मतलब ये रहता कि खाली दबाव पर थोड़ी देर में वो बताएंगे और शायद डिसीजन अभी पेंडिंग चांदी के सिक्के जेब में भरे और एम्पायर ने नकारा पांच ओवर 100 कल 1 बजे का टाइम दे दिया 55 रन ये कैच साइड ड्रॉप कीपर के हाथ से गेंद छिटकी जिस तरह से लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी रिकॉर्ड तोड़ दिया यहां पर अश्विन जी कोई बिल्डर मौजूद नहीं चार रन बिल्कुल सही बात क्रिकेट में कोई भरोसा नहीं किया जा सकता अरे ये बॉल बैक पर से आई थी वहां पर कली के क्षेत्र में गेंद गई एक रन का ऐसा फॉर सिंगल डबल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ और नगर ये से दो तीन छक्के लगे प्रति क्षेत्र में टक्कर फारुख को वहां पे आ जाएगी बैटर फारुख और यहां पर पिक्का का बन का पिक चले फिर से प्रयास लगातार बनाते यहां पर उत्तर प्रदेश का बड़ा छक्के का होता है बैक टू बैक कुछ भी हो सकता है सात बाउ और बेहतरीन शॉट छह रन भैया बड़े भैया हर बार राइट तरफ से तीन छक्के को लगातार लगाता फिर भी उनकी तरफ से 500 रुपए हैट्रिक पर अगर कोई व्यक्ति लगाते तो 501 रुपए का पुरस्कार मिलेगा किसी भी खिलाड़ी के लिए जो भी फाइनल मुकाबले में कल धन की वर्षा भी होने वाली है तो दोनों टीमें पूरा प्रयास करती हुई यहाँ पे चार रन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है एक और शॉट एक और बताता जो मैं आप घोषणा खिलाड़ियों के साथ ये प्यार भरा व्यवहार करते हुए यहाँ पर हमारे और बड़ी चालाकी से दो रन पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने छह रन टीम का स्कोर 92-92 रन वाइड बॉल दोनों ने वाइड फेंक दिए महेंद्र गेंदबाजी करने के लिए तैयार बहुत ही शॉट खूबसूरत शॉट चार रन मात्र 18 रन की जरूरत जीत के लिए पिक्का 11 को यहाँ पर पिक्का 11 को प्रदर्शन अच्छा एक और वाइट बहुत बड़े एक और लंबा शॉट एम्पायर का इशारा चार रन छह रन 103 रन मात्र 11 रन दूर अपनी जीत से पिक्का 11 फाइनल में प्रवेश करने के लिए और शानदार बॉल ये देखिए अच्छी बॉल फील्डर वहां पर मौजूद उन्होंने गेंद को फील्ड किया एक रन के साथ 10 रन चाहिए बॉल मात्र 10 रन दर्शकों से सबसे निवेदन किया जा रहा है जब तक गेंद फील्ड होती है खिलाड़ियों से भी निवेदन है दर्शकों से भी मात्र 2 रन दूर अपनी जीत से पिक्का 11 सूरज सामना करेंगे राम सेवक मात्र 9 रन दूर अपनी जीत से
खड़ा कर दिया है गेंद को आसमान में, नीचे फील्डर मौजूद और ये आउट। चौथा विकेट गिरता हुआ आराम से के रूप में। और नए बल्लेबाज लालू आराम से वक्त की जगह लेंगे लालू। उन्नीस बॉल में 43 रन बनाकर राम सेवक आउट हो गए। शानदार पारी खेलते हुए राम सेवक। बल्लेबाज का नाम नहीं पता चला। जब तक है बिहार में आलू मात्र 8 रन दूर अपनी जीत से दिक्कत 11। लालू भाई यहाँ पर मौजूद। बेहतरीन शॉट खड़ी कर दी है आसमान में गेंद। एक और पांचवा झटका लगता हुआ अभिषेक के रूप में। और नए बल्लेबाज पोलार्ड हाथ करने की जरूरत है। मिस किया गेंदबाज सूरज ने। और एक और एम्पायर के सारा वाइड बॉल। मात्र 7 रन दूर अपने इस सेमीफाइनल मैच में जीत के फाइनल में प्रवेश करने के लिए 7 रन दूर। और पोलार्ड जैसा नाम वैसा काम 6 रन। बहुत ही लंबा छक्का पोलार्ड के बल्ले से मात्र 1 रन दूर अपनी जीत से। मात्र 1 रन दूर अपनी जीत से। चलिए हम आपकी इच्छा कल पूरी करवा देंगे, ऊपर भिजवा देंगे। और ये आउट। छठा झटका लगता हुआ हमारा सामना करेंगे साहिल संधू का। मारना चाहते थे समझ नहीं पाए गेंदो। एक और अच्छी बॉल। सामना करेंगे यहाँ पर उन्होंने गेंद को खेला रन दे दिया। और पोलार्ड ने नकारा। शायद 6 रन मार कर जिताएंगे पोलार्ड। पोलार्ड और खड़ी कर दी है आसमान में गेंद, नीचे फील्डर मौजूद। और ये 7वां झटका लगता हुआ दिक्का 11 को। मात्र 1 रन की जरूरत और विकेटों का पता नहीं होता हुआ लबालब। और अगले बल्लेबाज मनोज आपको बताते चले। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ऑलराउंडर मनोज सामना करेंगे सूरज का। मात्र 2 रन की जरूरत। स्कोर लेवल होता हुआ मात्र 1 रन दूर जीत से। क्या ये बाउंड्री मारकर मैच को जिताएंगे इमरान? देख लाइक करें, शेयर करें असलम स्पोर्ट्स क्लब को, सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा। और जी के साथ बिक्का 11 ये मैच जीती हुई फाइनल में प्रवेश करती हुई बिक्का 11। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें असलम स्पोर्ट्स क्लब को। जो भी मेरे भाई हैं नए वो प्लीज सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं कल के मैच में फाइनल मैच जो कि बरी और बिक्का 11 के बीच में फाइनल मैच। नाजिम भाई एक बार फिर आपको देखने को मिलेंगे। असलम स्पोर्ट्स क्लब को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और आस पड़ोस सबका ख्याल रखें।